हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए मेवा पाक। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह हमने कढ़ाई ली है, यहाँ हम घी लेंगे। यह हमने 4 चम्मच घी लिया है, देसी घी। घी हमारा गर्म हो गया है, यहाँ हम गोंद डालेंगे को अच्छे से भून लेंगे। हमारी गोंद जब अच्छे से फूल जाएगी इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बादाम। बादाम हमारे अच्छे से पक गए हैं, इनको निकाल लेंगे हम। अब इसी घी में हम डालेंगे थोड़े से काजू भी, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। बस ये हो गए, इसको निकाल लेंगे हम। इसी घी में डालेंगे मखाने हम, इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे। मखाने हो गए, इनको निकाल लेते हैं। 1 चम्मच और घी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश, बहुत जल्दी रोस्ट होती हैं, चलाते रहेंगे। अब इसी में डाल देंगे नारियल ग्रेट किया हुआ, थोड़े से मगज़ के बीज, थोड़ा सा खसखस, इसी में डाल के इसको रोस्ट कर लेंगे हम। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सब डालें। अच्छी सी खुशबू आने लगी है, गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा कर लेंगे। जार लेंगे, इसमें हम गोंद डालेंगे पहले, इसमें बादाम भी डाल देंगे हम, काजू भी डाल देंगे, मखानी डाल देंगे इसी में। इसको हम ग्राइंड करेंगे, पर एकदम फाइन नहीं करना, दरदरा रखना है। इसी नारियल में जो हमने पीसा है इसी को मिक्स कर देंगे हम, सारा इसी में मिक्स कर देंगे। ऐसे ही आपको रखना है दड़दड़ा। इसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे। 2 कप हमने चीनी ली है, 1 कप पानी लेंगे। इसको भी मेल्ट होने देंगे। आपको सभी चीज़ें नाप के लेनी है, चीनी और पानी, तभी आपका परफेक्ट बनेगा। कप या कटोरी से नाप के ही लीजिएगा तो आपका मेवा पाक बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अभी हमको एक तार की चाशनी बनानी है। थोड़ी चाशनी निकालेंगे और चेक करेंगे एक तार की हुई कि नहीं। पहले थोड़ा ठंडा करेंगे तभी चेक करेंगे। एक तार की बन गई है, जो सारा बनाया था अब इसको इसमें डाल देंगे हम। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को कम ही रखेंगे। इसी में हम थोड़े से पिस्ते डालेंगे, ये 2 चम्मच होंगे। अब इसमें हम इलायची डालेंगे, इलायची पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इकट्ठा होने लगेगा, एक साथ आ जाएगा, चलाते रहेंगे, नीचे लग जाएगा नहीं तो। देखिए ये एक साथ आने लगा है, मतलब ये पक गया है। गैस को बंद कर देते हैं। थाली को हमने घी से ग्रीस कर लिया है, अब इसमें डाल देंगे। आप किसी चीज़ में भी जमा सकते हो। इसको डाल देंगे हम, इसको अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ। आप चाहें तो सिल्वर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो मेवा उसी को डाल सकते हो। इसको हल्का सा दबा देंगे। अभी इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब हल्का गर्म रहेगा तभी इसको कट कर लेंगे। हमारा मेवा पाक जम चुका है, इसको कट कर लेते हैं। हमने कट कर लिया, आपको जैसे भी पीसे पसंद हो वैसे ही कट कर लीजिए, छोटी बड़ी। मेवा पाक हमारा बनके तैयार है, जैसे हमने बताया है आप अगर वैसे ही बनाएंगे ना तो आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा, मुँह में एकदम घुल जाता है, ऐसा मेवा पाक है, परफेक्ट बनेगा। खाइए और खिलाइए। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस।